मिल लो, आप सबसे मिल लो, हेलो बोल। शुरेक जो है थोड़ा सा खराब ऐसे था ये। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ बहुत अलग। तो हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं DIY। किस चीज को करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या मेरे माइंड, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। बट ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड। सो गाइस, मेरे घर में पड़ा था एक एक्स्ट्रा शू रैक जो है थोड़ा सा खराब और लाइक ये डिस्कार्ड वाले लेवल पे है। देखो खराब हो रहा है अच्छा खासा ये। तो जैसे आपने देख लिया, ये थोड़ा सा लाइक खराब हो रहा है, खराब के अच्छा खासा खराब हो रहा है। तो मैं सोचा इसको हम करते हैं आज DIY, क्या हम सही कर सकते हैं। सो पहले तो मैं पेंट लाया हूँ, तो पहले पेंट करेंगे, बाकी की चीज़ें मैं क्या क्या करूँगा, क्या क्या सोचा मैंने, वो सब मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताऊँ, इसके ना थोड़े देखो पैरों पर भी रस्त लग रही है, ये देखो चारों पर। सो इसको यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ अच्छा सा करना पड़ेगा। तो मैं दो चार चीज़ें भी लाया हूँ, कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कहाँ पर रख सकते हैं, वो सब भी बताता हूँ। पहले सबसे पहले हम करते हैं पेंट। मैं यूज़ कर रहा हूँ ये गोल्डन कलर का मेटैलिक पेंट। हालत देखो गर्मी में क्या हो गई है मेरी। एंड जैसे कि आपने देखा है कि मैं पूरा पेंट कर रहा था, जो हो गया है जितना मुझे चाहिए था, देखो मोस्टली तो हो गया है। आई थिंक सो यू गाइस आर एबल टू सी। देखो फोकस फोकस फोकस, देखो हो गया है ऐसा, ऐसे था ये और अब ये ऐसे हो गया है। डिफरेंस देखो यार। तो मैं इसको अभी अच्छे से सेट करता हूँ, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो सब निकालूंगा मैं, वो सब निकाल निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले नीचे चलते हैं, बहुत गर्मी है तो नीचे चलते हैं। मिल लो, आप सबसे मिल लो, हेलो बोल दो। सो गाइस, मैं पीछे वो तो ले आया हूँ नीचे, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसकी थोड़ा गीला था जो लास्ट में आया था, वो तो बहुत जल्दी सूख गया था, ये नहीं सूखा इतनी जल्दी। चलो कोई नहीं। सो ये जो है ये थोड़ा हिल रहा है यार, ये तो गीला है अभी तक, सूख जाता है इतनी देर में। तो मैं काम करता हूँ, पेंच ला के थोड़ी देर छोड़ देता हूँ, फिर आपको दोबारा मिलता हूं। 5 मिनट्स लेटर। सो गाइस ये देखो, ये रहा है हिल, तो हम इसको कर देते हैं अच्छे से टाइट, जितना टाइट कर सकते हैं टाइट करते हैं पहले और फिर देखते हैं। हाँ, मैंने काम करना है ना, इसने आके बैठ जाना है। सो गाइस, जो मैं आपको कह रहा था ना, ये सब तो टाइट वाइट और वो सब हो गया है। सबसे लास्ट में तो खुल नहीं रहा है क्योंकि उस साइड ऑन नोज से इतनी रस लग गई है, रस मतलब जंग लग गया है, बहुत जंग लग गया है, तो वो खुल ही नहीं रहा है। सो बाकी मैंने जो सेट है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ऐसे गैप में भी सेट कर दिया सारा, ये सारा मैंने गैप में सेट कर दिया। बट ये ना थोड़ा भी लाइक हिल रहा है, देख रहे हो टेस्ट, बिकॉज इसके जो ये नीचे वाले हैं, ये देखो ये ख़राब हो गए। तो ये ख़राब हो रहे हैं, इसके लिए मैं लाया हूँ एक चीज। सो ये लाया हूँ मैं, लगा के देखते हैं कि लगते हैं नहीं। सो देखो, नाउ यू कैन सी द चेंज एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम, इट्स मोर सिक्योर एंड मोर बेटर। सो ये मेन बड़ा बड़ा काम तो हो गया है, अब हम इसको करेंगे सेट। और मैंने मेनली किस पर्पज के लिए बनाया वो ही बताता हूँ आपको, पूरा सेट पेट करके। चलो आपको मैं फाइनल आउटकम दिखाता हूँ, दैट्स गोना बी मोर फन एक्चुअली। सो गाइस, मेरी हालत को इग्नोर करते हुए फाइनली सेटअप हो गया है आफ्टर लाइक 2000 years लेटर। मैंने अभी सिंपल सोवर कर दिया है, मैं आपको एक बार डायरेक्ट दिखाता हूँ। मतलब उसमें अभी सामान कुछ मैंने ऐसे लाइक डिसाइड नहीं करा क्या रखूँगा, बट हाँ ये दो जो सामान है ये तो फिक्स है, बट इसके अलावा क्या आएगा दैट आई हैव टू थिंक अबाउट एंड विल सी। बट अभी के लिए ये देखोगी बेसिकली हाउ इट हैज टर्नड आउट। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट आई रियली वांटेड। सी, मेरा तो था मेन जो फोकस था ना कि इसमें एक्वेरियम आ जाए, बट एक्वेरियम की जगह छोटी पड़ गई। आई ट्राइड अ लॉट, बट मुझे ज़्यादा उसके बाद रिस्क भी नहीं लेना था बिकॉज इट्स अ डेलिकेट थिंग। ये कर लो पहले, इट्स अ डेलिकेट थिंग, मतलब बहुत डेलिकेट होती है, तो मैं ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। तो मैंने उसको फिर वापस वहीं रख दिया। बट दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ कॉफी कॉर्नर,
ठीक है, ये कॉफी कॉर्नर हो गया और ये यहाँ बेसिकली लाइक माइक्रोवेव, ऑब्वियसली माइक्रोवेव का काम क्या ही बताऊँ आपको, इट्स गोइंग टू बी माइक्रोवेव एरिया, वहाँ एलेक्सा वगैरह रख दिया, इस कॉर्नर भी समथिंग एल्स ऑल्सो, वहाँ कुछ और भी आएगा, बट हाँ दिस इज गोइंग टू बी माई कॉफी कॉर्नर। तो ये मुझे बेसिकली चाहिए था एंड यहाँ ऊपर भी थोड़ा कुछ सामान आ जाएगा। अब फाइनल मैं आपको उसमें और क्या क्या करूँगा मैं आपको डेली बॉक्स में दिखाता रहूँगा यार, बताइए आपको डेली बॉक्स में शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। सो वो देखने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब ना करो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर और लाइक भी कर लेना। अब थोड़ी देर में रन आने वाले हैं जो है मेरा फ्रेंड जिन लोगों ने, तो उससे भी दिखाएंगे, रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, चेंज मेंज कर रहा है, सेटअप अच्छा लग रहा है, नहीं खाली खाली सा लग रहा है। तो अभी तो सामान आएगा, मतलब अभी तो बस इतना कर रहा है, सामान वामान आएगा अभी इसमें, ये मजबूत तो है। हाँ बेइज्जती कर रहा है, नहीं सामान तो आएगा ऑब्वियसली। ये एक छोटा सा ब्लॉग था जो आपके साथ शेयर करना चाहता था, ब्लॉग में चाहिए लाइक 2-3 मिनट का लगे या 4-5 मिनट का लगे, बट मेरा पूरा दिन निकल गया एक्चुअली इसमें, पर ठीक है, वर्थ इट रहा एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम। जैसे रन बोल रहा था ना खाली खाली लग रहा है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, उसको पता नहीं था, यू विल आई डोंट थिंक विद टाइम उसको पता नहीं था, तो उसकी वो बोल रहा था, बट हाँ आपको कैसा लगा ये बताना, ऐसा ब्लॉग चाहिए डी आई वाई वाले, फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं आई गेस डी आई वाई वाला ब्लॉग, तो बताना जरूर। तो यार प्रीटी मच दैट्स इट विद दिस वीडियो, होपफुली लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स।